हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारी गड्डी पहुंच रही है अब उचाना। उचाना है हॉट सीट, क्योंकि यहां पे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला, जिन्हें एक बार हरियाणा के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा था, अब उन्हें किसान धोखेबाज के रूप में देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को किसानों ने वोट यही सोच के दिया था कि ये किसानों के साथ वाले नेता हैं। दुष्यंत चौटाला आया डिप्टी सीएम था, क्या नहीं कर सकते थे वो उचाना में? उचाना से विधायक थे वो, सीएम सिटी बोला जाता है इसको, लेकिन कहाँ है वो सीएम सिटी? क्या है इसमें? कोई विकास नहीं है। हम दिहाड़ीकरण लाग रहे हैं, सपना आर्मी में जाने का भी अब दिहाड़ी कर रहे हैं। हाँ, दिहाड़ी कर रहे हैं, सपना आर्मी में जाने का था और तैयारी करी फूल। अच्छा। रेस खूब रेस मारी उठाया, सपना चूर चूर कर दिए सपने हमारे। डिप्टी सीएम की नगरी थी, डिप्टी सीएम के हिसाब से तो बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा बस स्टैंड है, बस स्टैंड के नाम पे बस वहाँ पे पुलिस तो कर दी, उसे आगे कुछ नहीं हुआ, बसें नहीं जाती, क्या फायदा ऐसा बस स्टैंड का? आज इसकी स्थिति, इसकी मम्मी की 4200 वोट आए थे, ऐसी ही पोजीशन रहने के अनुमान है, भाई ऐसे ही वोट रहेंगे इसके। अब कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी, तो क्या गलती की माफी जनता देगी? इस बार तो शायद नहीं देगी, अगली बार शायद माफी। तो ये जो किंग मेकर बनने वाली स्थिति की बात हो रही है, लग तो नहीं रहा हो पाएगा फिर इनके लिए? नहीं होगा, नहीं ना। क्या लगता है कितनी सीटें इनकी पार्टी निकाल सकती है? कोई सीट नहीं हरियाणा की। जमानत जब्त होगी? बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला हर सीट पे जमानत जब्त होगी। पहली बार मैंने देखा है कि कोई पार्टी का फैन है मोदी का नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं पार्टी जाए भाड़ में, हम तो मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है क्या? यू कर रहे मोदी के नाम पे वोट देंगे? किसके नाम पे दे रहे हैं? कांग्रेस पे। कांग्रेस पे? उचाना में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के अलावा कांग्रेस, भाजपा और इन सब का गेम बिगाड़ने के लिए कई निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं, और चुनाव में अब ये देखना है कि कौन से मुद्दे हावी होते हैं। इलाके में क्या अभी भी इनकी इमेज एक धोखेबाज के तौर पे है, या फिर दूसरे मुद्दे भी हावी होंगे? क्या इन्होंने उचाना में कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उचाना वासी कहेंगे कि नहीं नहीं, हम इनको माफ करते हैं? ये सारी बातें जानने के लिए हमें उचाना चलना होगा, तो चलिए चलते हैं और उचाना के वोटरों से ही जानते हैं उनका क्या है मिजाज। अच्छा, ये बताइए, हम इलाके में घूम रहे हैं, खबरों के साथ साथ मैंने अभी देखा कि लोगों से जब बातचीत की किसानों से, दुष्यंत चौटाला के लिए बहुत नाराजगी है। नाराजगी है पूरी। कारण क्या है? कारण काम नहीं करा। काम नहीं करा, और ये कह रहे हैं कि भाजपा के साथ चले गए, किसानों को धोखा दे दिया, ऐसी भी चीजें हैं? हाँ, यह चीज भी है। अच्छा, तो भाजपा के साथ जाकर के उन्होंने गलत किया, यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है? गलत तो करा है, खुद की पार्टी से भाजपा में समर्थन करने के बाद गलती हुई है, काम बने नहीं किसी की। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि धोखा दिया है किसानों को दुष्यंत चौटाला ने, ऐसा है कि आपको भी लगता है? ऐसा, ये लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था दुष्यंत चौटाला को, और वहीं जाके समर्थन कर दिया। अच्छा, तो ये तो सच में ये तो धोखा वाली बात है। तो अब कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी, तो क्या गलती की माफी जनता देगी? इस बार तो शायद नहीं देगी, अगली बार शायद माफी मिलेगी। तो ये जो किंग मेकर बनने वाली स्थिति की बात हो रही है, लग तो नहीं रहा हो पाएगा फिर इनके लिए? नहीं होगा, नहीं ना। क्या लगता है कितनी सीटें इनकी पार्टी निकाल सकती है? कोई सीट नहीं हरियाणा में की बार। जमानत जब्त होगी? बिल्कुल। दुष्यंत चौटाला हर सीट पे जमानत जब्त होगी। अच्छा, हां जी। ये जो किसान आंदोलन में जिस तरह का बर्ताव हुआ था किसानों के साथ, उसमें जो चुप्पी थी और खासतौर से समर्थन उस समय बीजेपी को, तो वही है क्या केवल जाट नाराज है या फिर सब लोग नाराज है? जमींदार, सभी किसान सब नाराज है। अच्छा अच्छा, मुद्दे कौन कौन से ये बताइए? आपके यहाँ से भी तो युवा जाते होंगे सेना वेना में, क्या अग्निवीर मुद्दा है? बिल्कुल, अग्निवीर से युवा परेशान है। अच्छा अच्छा जी। तो पहले जैसे मैं कई गांव में गई सर, मैंने देखा कि जहाँ पे 100-150 बच्चे डेली ट्रेनिंग के लिए दौड़ा करते थे, अब वहाँ पे इक्का दुक्का भी नजर नहीं आते, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल मैडम, 4 साल के लिए नौकरी कौन करेगा? अच्छा, तो इसलिए मतलब यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि लड़कों ने बोला कि अब उसमें जाने कोई फायदा नहीं है? फायदा क्या हो उसमें, 4 साल के लिए क्या करेंगे, क्या कमाओगे? अच्छा, तो अभी तक कोई गया है अग्निवीर में? नहीं, कोई नहीं गया यहाँ से, खुद से ही नहीं जाना है? जाना नहीं है किसी को, जाने चाहता कोई भी अग्निवीर की वजह से, और वो मुद्दा बन भी रहा है, मुद्दा है पूरा। यहाँ पे और क्या मुद्दे हैं सर, किन चीजों पे आप लोग वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत है इलाके में, इलाके में। अच्छा, ये बताइए कौन नेता है जो लग रहा है काम कर सकते हैं? यहाँ पे किसका माहौल है? यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी, हाँ, कांग्रेस के लिए काफी कहा जा रहा है, कांग्रेस के जो नेता है
क्या उन्होंने उनके ऐसे कौन से वादे हैं जो आपको लग रहा है कि वो काम करेंगे, या फिर बीजेपी के नेता हैं, उन दोनों में से आपको कौन लगता है बेटर काम करेगा? बीजेपी। बीजेपी बेटर काम करेगी। तो अभी तो कहा जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने वोट दिया जेजेपी को, वो चले गए, अब आप कह रहे बीजेपी का है माहौल। बीजेपी को वोट देंगे, काम बीजेपी ने अच्छे किए हैं। अच्छा, यानी गुस्सा पर्टिकुलरली केवल और केवल दुष्यंत चौटाला के लिए, दल बदल की वजह से? अच्छा, आपका भी साथ ऐसा है, बीजेपी के साथ जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, कांग्रेस पर। कांग्रेस के साथ क्यों? कांग्रेस के उम्मीदवार पटेल के आईपीएस अफसर हैं। अच्छा, हाँ, पूर्व आईएएस है ना? हाँ, पूर्व आईएएस। अच्छा अच्छा, तो लग रहा काम करेंगे वो? नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने यहाँ इलाके में काम किए है, राजनीतिक 52 साल से की। सांसद भी तो थे ना इधर से वो? हाँ, एमपी। हाँ, तो काम किए थे उस समय? हाँ, किए हैं काम। तो आपको लगता है कि वो फिर करेंगे काम? नहीं, उनकी मम्मी थी प्रेमलता, विधायक थी हमारे, 1,96,00,000 का, देखो ये जो सीसी की ये बन रही, 1,96,00,000 की, हमारे 1,96,00,000 का जो नरवाना से पाइपलाइन आके वाटर सप्लाई में। हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों के समर्थन समर्थक जो है वो मिल करके एक ही आदमी बुराई कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। विविधता है लेकिन एकता केवल एक जगह भी नजर आ रही है। हाँ, अभी आप बीड़ी जला रहे हैं, आप बीड़ी जला रहे हैं, बात कैसे करेंगे हमसे? कोई नहीं, बुझाई मत, पैसा खराब हो जाएगा। आप बताइए, थोड़ा सा इधर इधर आ जाइए, आप लोग बात करने में आसानी रहेगी। हाँ, कह रही हूँ, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? हम तो बीजेपी के जाएंगे। मुद्दा पूछ रही हूँ, नौकरी लगवाना लग गया। कोई मुद्दा हो, नौकरी लगवाना लग गया। अच्छा, ये बताइए बीजेपी ही क्यों? बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी लगवा हुआ है। और या प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी वाले जो मसले चल रहे हैं, उनका क्या चल रहा है? कोई मसला नहीं है, दुनिया भर की जॉब गए, लोग परेशान हो रहे थे, कई गांव में गई, उन्होंने कहा कि बहुत कौन परेशान है, कोई परेशान नहीं है। अच्छा, आप नहीं है ना, लेकिन मैंने जिनसे बात की, गांव में कोई परेशान नहीं है, मेरे गांव में कोई परेशान नहीं इस चीज से। अच्छा अच्छा, कुछ गांवों के लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है, बाकायदा हमने बातचीत की उनसे कैमरे पे, उन्होंने कहा बहुत दिक्कत हो रही है, और ये एक चुनावी मुद्दा भी बन रहा है, फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी, ऐसा है क्या? ये तो जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। और आप ये बताइए, क्यों भाजपा के लिए? बिना खर्चे बिना पर्चे नौकरी देने लायक रहे। अरे तो बिना खर्चे बिना पर्चे, अग्निवीर भी तो यही लाए थे भाजपा वाले। मैं जाए और जाएगा, मोदी मां भी गया होगा। मोदी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी लाए थे, ये कह रहे तो मोदी जी लाए थे, तो मोदी जी की तो भाजपा है। तो वो मोदी लाए थे, पर मोदी की तो भाजपा है ना, और किसकी है? तो मोदी जी के नाम नहीं वोट देंगे? पार्टी से, पार्टी का फैन है यो, ना कि मोदी। अच्छा, आप पहली बार मैंने देखा है कि कोई पार्टी का फैन है, मोदी का नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं पार्टी जाए भाड़ में, हम तो मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है क्या? मोदी के नाम पे वोट देंगे ना जी? किसके नाम पे दे रहे हैं? कांग्रेस पे। कांग्रेस पे? थोड़ा सा पास आइए चाचा जी, अरे थोड़ा पास आइए, कोई दिक्कत। हाँ, ये बताइए, आप एक चीज बताइए, दुष्यंत चौटाला के लिए क्या सोचते हैं जी? मैं तो, वो तो जिता दिया था, काम को नहीं करे बस जी, अफसोस हो रहा है कि जिता दिया था। और तो क्यों गुस्सा है उनसे इतना ज्यादा? फिर काम को नहीं करे, दिल्ली जा बैठा जी, हम बात देखेंगे। चंडीगढ़ दिल्ली कुल मिला के इलाके में नहीं रहे। आपने मोदी के नाम पे वोट देंगे ना जी? अच्छा, कांग्रेस का नाम? कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? दे जाएंगे जी, आप बूढ़ी कांग्रेस है बेचारी, 5 साल में आवे ऑपरेशन बदलाना चाहिए जी, गड़बड़ थी इसके। तो देखिए, यही चुवलबाजी है, चुनाव में चलती रहती है। चलिए कोई बात नहीं, आप बीड़ी जलाए हुए आप, अरे फेंकिए मत, हम बात कर लेते नॉर्मली, यहाँ इधर से आकर के थोड़ा। हाँ, कोई तो होगा, वोटर हैं आप, कुछ तो बताएंगे। ये बताइए किसके लिए? कांग्रेस का। देखो, क्यों कांग्रेस के लिए? बड़े भाई है कांग्रेस में, इसलिए उसके साथ। परिवारवाद कर रहे हैं आप? परिवारवाद कर रहे हैं? बड़ा भाई के साथ तो चलना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो बात है। परिवार में आगे एक के बाद। हाँ, तो ये बताइए, दुष्यंत चौटाला के लिए क्या सोचते हैं? दुष्यंत चौटाला काम नहीं करे। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए मतलब इससे विरोध है। अच्छा, और मुद्दे जो हैं, जो पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कि किसान आंदोलन में जिस तरह से बर्ताव हुआ, अग्निवीर का मसला है, खिलाड़ियों के साथ जैसा हुआ, क्या वो मुद्दे यहाँ पे हैं? अग्निवीर को लेकर के भी है? युवा यहाँ के क्या बोल रहे हैं? युवा तो इसमें जाना नहीं चाहते, अब जाना ही नहीं जाना नहीं चाहते। अच्छा, तो पहले जितने लड़के जो हैं वो तैयारियां करते थे, अब नहीं कर रहे हैं? नहीं करते। अच्छा, यानी कि
दुष्यंत चौटाला एक तरफ, ये मुद्दे एक तरफ, ये मुद्दे भी भारी हैं। दुष्यंत चौटाला को बार बार जहाँ पे भी मैं गई लोग कह रहे हैं उन्होंने धोखा दिया है, आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। ऐसा क्यों है? एक तो किसानों के साथ नहीं लग गया ये, इसी वजह से। अच्छा, तो देखिए ये बात जो है यहाँ पे लोग सभी लोग बोल रहे हैं, हमने बात की यहाँ पे आपको कई लोग नजर आए, कोई कांग्रेस वाला है, कोई बीजेपी वाला है, सब मिलकर के ताश एक साथ खेल रहे हैं, यही तो खूबसूरती है इस देश की और हरियाणा की। लेकिन नाराजगी के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं नहीं, दुष्यंत चौटाला ने धोखा दिया है, हम दुष्यंत चौटाला को वोट नहीं देंगे, एक बार वोट दे के गलती कर दी। भले इस समय पश्चाताप के मूड में नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने गलती कर दी थी, लेकिन जनता इस समय उन्हें माफ करने के मूड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। दुष्यंत चौटाला 26 साल की उम्र में सांसद बनकर के हरियाणा के सबसे यंग सांसद बने। उन्हें हरियाणा के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा था, किसान अपने नेता मान रहे थे उन्हें, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया, सरकार में बैठ गए, डिप्टी सीएम बन गए। ये बताइए अग्निवीर को लेकर के क्या है यहाँ पे? अग्निवीर को लेकर तो पूछो ना जी, जो नौजवान है नी 70, मेरी बात तो सुन समझे, 17 से 22 साल के जो 23 साल तक के लड़के हैं, कितनी मेहनत करते थे, वो दौड़ा करते भाई, हम भाई मिट्टी में जावांगे 15 साल खातर, तो ऐसे होती है जी सिपाही की, अगर के बड़ा कितनी बच्चे जो तो उनके जगह से हमसे भरती है भाई, कोई वो लाती है बेल्ट बन गया, कोई सूबेदार बन गया, इनकी तो फिर आगे अगर सर्विस वृद्धि जावे है, उम्र भी वृद्धि जावे, इस 4 साल के अंदर एक बात बताइए जी, 4 साल की या अग्निवीर योजना बना दी, 4 साल में उस लड़का है 17 साल का, 17 साल का फौज में भर्ती हो सकता है, अच्छे घर आने का हरियाणा है, ये भी हरियाणा का लड़का उसका, बाकी राज्य का नहीं हो सकता, क्यों? यहाँ दूध दही का खाना, यानी कि अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा बन रहा है जिससे कि वोट प्रभावित होंगे भाजपा के, ऐसा है? अग्निवीर में मेरा पेपर था 2021 की भर्ती में। अच्छा। जो कोरोना लग गया था उस टाइम पे, उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा पेपर मतलब सारा शुद्ध हो गया, पेपर रखे गए, छह महीने बुकाई रहे, वह करांगे करांगे करांगे, आखिरी में जाकर वो पेपर कैंसिल कर दिया। अच्छा। हाँ, पढ़ाई रेस करी और सारे नुकिनू गई। अच्छा। उम्र गई मारे नुकिनू, इन्हें मैं कैट दी, कोरोना में कैट दी, को पेपर कैंसिल कर दिया, सारी उम्र नुली कर ली हमारी। तो फिर अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आगे के लिए? आगे के लिए बढ़िया वो नहीं है इनका, जो लीडर है नी वो डा बढ़िया लीडर है। अच्छा। हाँ, जय इन्हें हरियाणा में लीडर देने को नहीं आई। दुष्यंत चौटाला का युवाओं के बीच में क्या है? दुष्यंत चौटाला काम बढ़िया करे, फिर जो बीजेपी में गया है नी, बीजेपी में जाना था, हाँ नाराजगी है, वो काम अच्छा बढ़िया छोरा है, वैसे बीजेपी में गया वहाँ नाराजगी है उसकी। अच्छा, मैंने कई जगहों पे देखा जहाँ पे लोग मतलब सुबह के वक्त 100-150 लड़के निकल करके तैयारी करते थे आर्मी में जाने के, अब वहाँ पे एक भी नजर नहीं आते, क्या ऐसा हो चुक रहा है पूरे हरियाणा में, हो रहा है क्या? जमा सारा है विदेशों में बाजा है, 50-50 लाख रुपये किले बेच का है, पूरा काम में कौन रह रहा, काम में कौन छोड़ रखे हो रहा दो। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका भी नहीं हो पाया, उसके बाद से फिर आप आगे क्या देख रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मैं दिहाड़ी करने लग रही है। सपना आर्मी में जाने का था, और तैयारी करी फूल। अच्छा। रेस खूब रेस मारी उड़ा है, सपना चूर चूर कर दिए सपने हमारे। तो यानी कि इलाके में जो युवा हैं वो इसी तरह आप ही की तरह परेशान होंगे कि तैयारी किया कोई फायदा नहीं हुआ? सारे परेशान है, जमा सारे A to Z, एक मतलब स्टेडियम पर आ रहा करता आर्मी के लिए, सुबह 4 बजे को हमारे गांव में 3,000 वोट, हमारे गांव में को 200-250 बालक रेस मरे करते, एक जाम है, कोई स्टेडियम में कोई नहीं, को किसी का फोन में ध्यान है, को अपने लाइब्रेरी में जाओ टाइम पास करने, और आगे दिखता है को नहीं ना खेल का प्रति की मैं वो आगे वो बता रखा। तो किसका माहौल अभी यहाँ पे, किस नेता का ज्यादा है? यहाँ पे बराबर बराबरी है, किसके बीच में? निर्दलीय होगी, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, 4-5 का एक सा वो है, 1,000-2,000 वोटा था नुना नुना। अच्छा, दुष्यंत चौटाला को किसान क्या धोखेबाज के रूप में देख रहे हैं? मैं जहाँ जा रही हूँ यही कह रहे कि धोखा दे दिया, बीजेपी में चले गए। बाकी कई काम तो उसने इसे भी करे हैं, वह बढ़िया भी करे हैं, यहाँ से जो वोट मिले थे वो बीजेपी के खिलाफ ही। हाँ, खिलाफ जी बताइए, यहाँ से जो वोट मिले थे वो बीजेपी के खिलाफ में मिले थे,
और बनने के बाद में उन्हीं के साथ में गठबंधन कर लिया। तो यानी किसानों को धोखा देने वाली धोखेबाज की इमेज बनी। बिल्कुल 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 वही बात है, किसानों को धोखा दिया है। और अगर चलो वो धोखा हो गया था, सरकार बना ली थी, जब किसान आंदोलन चला तो इन्होंने तो पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं कि किसान कहाँ पे बैठे हैं। तो रहे अब कह रहे हैं, कल ही उनका बयान आया कि हमसे गलती हो गई किसान आंदोलन के वक्त, जैसे हम बीजेपी के साथ में थे, गलती थी हमारी। तो अभी जो वोटर हैं वो भी बोलेंगे कि हमसे भी गलती हो गई। अभी वोटर बोलेंगे हमसे गलती हो गई, उनसे गलती हुई थी 5 साल पहले, अब वो सुधारेंगे। गलती तो कोई भी, अब वो सुधार रहे हैं ना गलती को कि मेरे से गलती हो गई। ये माफी जो मांग रहे जनता माफ नहीं करेगी। वोटर तो अपना रोष दिखा हुआ, अब की बार अगले जमानत जब्त हो जाएगी। अब की बार जो सरकार आएगी नहीं, उससे अगर कोई दुखी होता ना, जनता उससे दुखी हो गई तो आगे नंबर पड़ सकता है। अब की बार तो पूरा रोष है, अब की बार हम इसको गंगा पार भेजेंगे। बहुत सही बात है। देखिए ये जनता का गुस्सा, का युवा भी है हमारे साथ। आप अरे ऐसे कैसे युवा है भाई, भाग जा रहे हैं। कहना चाहूंगा मैं, अभी जो दुष्यंत जी ने वो पीछे भी बयान आया था उनका कि शराब का है ना थोड़ा फ्लेवर चेंज करेंगे, टेस्ट चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे विकास चेंज नहीं करेंगे कि विकास कर देंगे नरवाना के अंदर, हरियाणा के अंदर। लेकिन उन्होंने उस बात पे ध्यान दिया कि भाई जो अपनी माल्टा मस्ती आ रही है ना शराब, उसका टेस्ट खराब आ रहा है, तो वो चेंजमेंट को उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई हम चेंज करेंगे। तो ये बताइए, इलाके में अग्निवीर को लेकर के मैं जहाँ भी हरियाणा में जा रही हूँ, युवाओं में गुस्सा है, खास तौर से युवाओं में, क्योंकि उनका करियर, उनका जीवन दांव पे लगा हुआ है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? अग्निवीर से बेरोजगारी बढ़ी है जी। जो बच्चे तैयारी करते थे वो विदेशों की तरफ भागने लग गए। अच्छा। अब कोई भी युवा 4 साल नौकरी करेगा, 22 साल के बाद वो उल्टा वापिस आ जाएगा, फिर क्या करेगा वो? सोचने वाली बात है, क्या करेगा? उचाणा की बात ले लो, 45 साल से विजेंद्र सिंह का परिवार यहाँ से है, कभी MP थे, MLA थे, राज्यसभा में गए हैं। ये सड़क देख लो, जब से मैं पैदा हुआ ना, जब भी बारिश होती है इसमें कभी पानी नहीं जाता, इतना पानी हो जाता है, नहीं जाता, सब परेशान है। स्कूल कॉलेज की बात कर लो, प्राइवेट कॉलेज है, होनी चाहिए यहाँ यूनिवर्सिटी, है यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज भी नहीं है। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मीटिंग होती है, राजनीतिक मीटिंग होती है, कुछ नहीं है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला आया डिप्टी सीएम था, क्या नहीं कर सकते थे वो उचाणा में? बिल्कुल सही बात है, वो डिप्टी सीएम थे, पावर था उनके पास, उचाणा से विधायक थे वो, सीएम सिटी बोला जाता है इसको, लेकिन कहाँ है वो सीएम सिटी? क्या है इसमें? कोई विकास नहीं है, स्किल सेंटर क्या है? बेरोजगारी क्यों है हमारे उचाणा में, हरियाणा में ले लो, क्यों है बेरोजगारी? क्योंकि स्किल नहीं सिखाई जा रही। क्या आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप में स्किल है, और बच्चे नहीं कर सकते ये? बिल्कुल, और बच्चे कोई वीडियोग्राफर एडिटर और कुछ नहीं बन सकते, शिकायत नहीं जाता, अगर उनको बताओगे नहीं तो क्या करेगी वो? आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BCA कर रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप ही अपने आसपास देख रहे हैं जो आपके साथ के लोग हैं, बेरोजगारी बहुत होती है, जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं उन पे अभी विश्वास है कि नौकरियां आएंगी? बस ये नौकरी है, क्योंकि यहाँ एक बात हो गई है कि दिमाग में डाल दिया है कि एक नौकरी ही करो। ये बच्चों के दिमाग से एक चीज निकलनी चाहिए, ये चीज तब निकलेगी जब यहाँ कोई स्किल सेंटर होगा कि भाई उसके अलावा भी आप कुछ भी काम करो, वहां से भी पैसे कमा सकते हो। सरकारी नौकरी क्या, बस परमानेंट हो गए? अरे बिजनेस भी करो और कुछ भी करो, लेकिन करे तो तब गए जब उनको कोई रास्ता दिखाएगा, रास्ता ही नहीं तो अंधेरा है। 12th करने के बाद यहाँ बच्चे के सामने अंधेरा हो जाता है, तो क्या करेगा बच्चा? कुछ सुविधा ही नहीं दे रही सरकार। ये देखिए यहाँ के युवा हैं जो बता रहे कि जब से पैदा हुआ हूँ तब से सड़क ऐसी है। यहाँ पे डिप्टी सीएम की सीट रही है, क्योंकि ये उचाणा है जहाँ के दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, पिछले 5 साल से डिप्टी सीएम रहे हैं, इस दौरान भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अब देखिए कि जाट हो चाहे जो बाकी किसान हैं, जमींदार हैं, ये सब के सब उनसे नाराज हैं, एक धोखेबाज का ठप्पा लग गया है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बार उनका जमानत जो है वो भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। किसानों के बारे में सोचना है, किसानों के खेत में पानी नहीं उचाणा में, उचाणा में पानी वही नेता, वही MLA पहुंचा सकता है जिसने खुद खेत में जाकर देखा हो। ऐसा कोई दिख रहा है? ऐसा है वीरेंद्र गोगड़िया, वही किसानों के खेत में पानी पहुंचाएगा, वही सब कुछ कराएगा। क्यों? वो बंदा खुद खेती करके देखा और पूरा हलका उसके साथ लग चुका। निर्दलीय है ना? निर्दलीय है, निर्दलीय। उसके पास टिकट आनी थी, लेकिन राजघरानों ने टिकट कहाने देंगे? क्यों किसी गरीब मजदूर किसान के बेटे का ये राजनीतिक करियर बनने ही नहीं देंगे? ये खुद कुंडली मार के बैठे हैं यहाँ पर। ये भारतीय राजनीति का एक खूबसूरत चेहरा ये भी है कि जो पार्टियों के नेता हैं उनको जनता पसंद नहीं कर रही है, लेकिन हाँ जो घोघड़िया जी हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए खासतौर से लोग अच्छी बातें कर रहे हैं कि यहीं के हैं वो। ये बताइए दुष्यंत चौटाला जो है, क्या माहौल है उनके लिए? उनके लिए कोई माहौल नहीं है जी। क्यों नहीं है? पब्लिक ने बड़ा जोर लगा के तैयार था, पब्लिक के बीच में कभी भी नहीं आया है।
कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। अच्छा अच्छा, वो पहले भाजपा के साथ गए, फिर भाजपा का साथ छोड़ दिया, ये सारी चीजों की वजह से भी गुस्सा है किसानों में। हाँ जी, गुस्सा क्यों नहीं, गुस्सा तो होगा। ये बात मेरा भला कर रहे हो और मैं आपसे दूर जाऊंगा, आपका गुस्सा नहीं होगा। तो ये तो किसानों को धोखा देने वाली बात हो गई थी ना, कि जो किसानों, हाँ किसानों को धोखा देने वाली बात हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे किसका लग रहा है आपको, कांग्रेस का लग रहा है, बीजेपी किसका? कौन सा है, कुछ नहीं कह सकते। देखो चार तार को रहा इतना मेरा लगेगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, खबरों में तो खूब दिख रहा है कि दुष्यंत चौटाला के लिए गुस्सा है लोगों में, ऐसा है क्या? है जी। क्यों ऐसा, क्यों है नाराजगी, किस बात से? क्योंकि बहुत मुश्किल से जीता था पहली बार। अच्छा, फिर वो उसमें कूद गया नहीं, जिसके खिलाफ उसी का भाई भाई। अच्छा, जो भाजपा के साथ गए तो वो आप लोगों को धोखा लग रहा है किसानों से? हाँ, बस वही धोखा। अच्छा, और इलाके में आपको क्या लगता है माहौल किसका ज्यादा है अभी? माहौल तो जी वो तो मैं कर रहा था, कांग्रेस का ज्यादा, कांग्रेस का ज्यादा पत्रिका है। अच्छा अच्छा, अभी ये बताइए, आप भी आप रुके हुए हैं तो आपसे भी बात कर लेते हैं, ये दुष्यंत चौटाला के लिए जो नाराजगी लोग बता रहे हैं, क्या है यहाँ पे? है जी नाराजगी यहाँ पे। किस बात से? किसान ज्यादा नाराज है, कौन उनसे नाराज? किसान ज्यादा नाराज है। क्यों? जी किसानों का साथ नहीं दिया इन्होंने। अच्छा अच्छा, जो भाजपा में चले गए? हाँ, भाजपा में चले गए। पर आप तो ये पश्चाताप कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने गलती कर दी थी। हाँ जी, तो माफी मांग लीजिए, तो फिर लोग आने, अगर माफी मांगते हैं तो लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे जी। आपकी किसका माहौल ज्यादा है इलाके? अत्री का ज्यादा है जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए परेशानियाँ क्या है इलाके में, मुद्दे क्या है? परेशानियाँ तो बहुत ज्यादा है जी, जैसे पीने के पानी नहीं है जी गांव में। अच्छा अच्छा, और इस पे काम नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में? पिछले 5 सालों में हुआ है जी, बीजेपी सरकार ने काम किया। अच्छा, बीजेपी ने किया है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के गुस्सा जो है वो चौटाला, अभी आप कह रहे हैं भाजपा के साथ चले गए इसलिए वो लोगों में नाराजगी है, फिर आप कह रहे हैं भाजपा ने काम किया है, इससे दुष्यंत से नाराज है जी? अच्छा, दुष्यंत से नाराज है, आप भी नाराज है दुष्यंत से? नहीं जी, हमको नाराज। आप खुश है उनसे? वो अच्छे है वो, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए एक आदमी मिला जो कि न्यूट्रल है, हम जो है इधर आइए। आपको क्या लगता है इलाके में इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है? मुद्दे जो वो काले पीले थे कुकरे अंडे जाओ जी। अच्छा, तो बस कांग्रेस की जीता, बस लार क्या करके जीता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नाराजगी मतलब कुल मिला के दुष्यंत से, और भाजपा से भी कुछ नाराजगी है आपको? ना जी। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए आप कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वैसे है जो कर जो पुराने से रहेंगे, काले बिले काले परसों आया गया, उनसे 42 साल का एक्सपीरियंस है। ये बताइए सर कि जहाँ अभी मैं जा रही हूँ, कहा जा रहा है जो किसान है वो दुष्यंत चौटाला से नाराज है, यहाँ पे नाराज हैं जी, नाराज है। क्या कारण है कि आप लोग नाराज? कारण तो जी पिछली बार इन जाटों ने ये कहा था ना, जैसे भाई आप बीजेपी के खिलाफ तो आए थे वो, और बीजेपी के साथ चले गए, नाराजगी इसलिए ज्यादा है। और इलाके में कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे पूरे हरियाणा में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, MSP बड़ा मुद्दा, क्या यहाँ पे भी है? यहाँ पे भी। अग्निवीर को लेकर के है नाराजगी? MSP को भी है। MSP पे है? हाँ, बीजेपी से इसलिए नाराज है। अच्छा अच्छा, औरतें बताएं हमें क्या इस बार का आपको क्या लग रहा है, ये दुष्यंत चौटाला के लिए वोट जाएगा या नहीं जाएगा? देखो मेरे को कोई तो बता दी, मैं तो नागपुर से हूँ। अच्छा, आप नागपुर से सामान लेने आए हैं, चलिए यहाँ पे। अब ये मंडी है बहुत बड़ी, ये मंडी किस चीज के लिए है सर? ये अनाज मंडी है जी, सब कपास मंडी, सब बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे, बहुत दूर दूर से, और बड़ी हॉट सीट है ये। हॉट सीट वो तो है बिल्कुल, हम भी दिल्ली से आ गए। हाँ, बिल्कुल हॉट सीट है। एक बार दुष्यंत को 44,000 वोटों से जीता था जी यहाँ पब्लिक ने, लेकिन वो नहीं जाटों के खड़े उतर पाए। अब की तो फिर जाट किसके साथ जा रहे हैं अब की बार? अब की बार तो जी निर्दलीय ही बहुत खड़े हैं, बहुत खड़े, लेकिन जा किसके साथ रहे? जा तो ये आपसरी में कटपट से हो रहे हैं, निर्दलीय के साथ कट रहे हैं वोट। हाँ, कट रहे हैं। कौन से निर्दलीय सबसे ज्यादा यहाँ पे? यहाँ पे गोगड़िया वाला है, काला है। अच्छा अच्छा, हाँ। गोगड़िया जी का काफी यहाँ पे हो रहा है कि वोट मिले। हाँ, वो हो रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की जी, हम तो कांग्रेस के जैसे हमें लग रही अच्छी है। ये मैंने कहा ना, सबकी तरफ से बात कर रहे हैं अलग। नहीं नहीं, हम तो आपसे शुरू से ही कहते हैं, हमने तो चाय पानी भी की थी, लेकिन हम तो शुरू से ही वीरेंद्र जी के साथ। अच्छा, अपनी अपनी वो है जी। भाजपा के विरोध में इन्हें किसानों ने वोट दिया था और ये भाजपा के साथ चले गए, यहाँ तक कि किसान आंदोलन में जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा किसानों के ऊपर बर्बरता हुई, उसको लेकर के किसानों में जब नाराजगी हुई, दुष्यंत चौटाला ने कुछ नहीं बोला, उल्टे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े नजर आए।